विवाह को बीत चुके हैं बिल्कुल 5 वर्ष, 10 वर्ष, 1 वर्ष या कई वर्ष, माँ नहीं बन पाई आप। सब कुछ करके हार गई, किया किराया कटवाया, कोखबंदीकरण कटवाया, कितने पूजा पाठ किए, कहाँ कहाँ मन्नत मांगी, हर डॉक्टर के पास गई, जो मैं सक सक रही थी वो सारे उपाय करके मैंने देख लिया, परंतु संतान सुख मुझे नहीं मिला। क्या आपके साथ भी हो रही है यही समस्या? आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपके शरीर में कोई कमी नहीं, आपके पति में कोई कमी नहीं, सब कुछ अच्छा है, पर माँ बनने की खुशखबरी नहीं मिल पा रही है आपको, अर्थात किसी ने कोख बांध दी है आपको। मैंने अपने एक वीडियो में बताया कोखबंदीकरण के संकेत क्या है, मेरे चैनल पर विजिट करें, कोखबंदीकरण के संकेत को देखें, और यदि आपको भी मिल रहे हैं लगातार उन संकेतों में कोई एक संकेत भी, तो मेरी बहनों समझ लेना कि कोख बंधी हुई है आपकी। आज के इस प्रयोग में, आज के इस उपाय में मैं आपको कोख खोलना सिखाऊंगी, स्वयं अपने घर में बैठे स्वयं खुद के पर ही आपको यह प्रयोग करना है, और 100 नहीं 1000% सफलता मिलेगी आपको। किसी ज्योतिष के पास नहीं जाना, किसी पंडित जी के पास नहीं जाना, ना अपनी कुंडली दिखानी है किसी को, आप स्वयं अपने घर में महज एक छोटा सा प्रयोग करके अपनी बंधी कोख को खोल सकते हैं। उसने जो क्रिया की है आप पर, उसे आप निष्क्रिय कर सकते हैं। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों, मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका चेहरा पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है, ऊपर वाले की प्रेम है आप सबका। यदि मेरे बताए गए किसी भी संकेत में से एक भी संकेत आपने पाया है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ कोख बंधी हुई है मेरी, तब कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। ये जो पुत्र पुत्री का जन्म होता है, संतान की प्राप्ति होती है, या पूर्ण रूप से प्राकृतिक होती है, नेचुरल होती है। यदि आप में कोई कमी है, आपको कोई बीमारी है, आपके शरीर में कोई बाधा है, आप डॉक्टर के पास जाइए, इलाज हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। परंतु आपने सब कुछ करा के देख लिया, आप डॉक्टर के पास भी गए, रिपोर्ट भी नॉर्मल है, आपके पति भी नॉर्मल है, फिर भी संतान नहीं हो रही, कोखबंधीकरण के लगातार संकेत आप प्राप्त कर रही हैं, तब आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप पढ़े लिखे हैं थोड़ा, आप देख सकते हैं अपनी कुंडली, तो अपनी कुंडली को निकालिए, जान लीजिए कि संतान का घर कौन सा होता है, कौन सा भाव संतान का होता है। हमारी जन्म कुंडली का पंचम भाव संतान का होता है। अब ध्यान से देखिए उसमें कितनी संख्या लिखी हुई है और कौन सा ग्रह बैठा है उस संतान के घर पर। यह तो ज्योतिष की बात हो गई। हर महिला पुरुष के लिए यह संभव नहीं है कि वह कुंडली निकाले, उसे रीड कर सके, उसे समझ सके इस गहराइयों को, और तब कोई उपाय कर सके। तो चलिए आज एक ऐसा सरल उपाय बताती हूँ। कोई कुंडली आपको नहीं देखने, किसी के पास नहीं जाना, इवन अपने घर पर भी आप बिना किसी को बताए भी यह प्रयोग कर सकती हैं और अपनी बंधी कोख को स्वयं खुद खोल सकती हैं। यह प्रयोग आपको रविवार मतलब संडे के दिन से प्रारंभ करके 21 दिनों तक लगातार करनी है, और केवल महिला को ही करनी है, पुरुष नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि पत्नी के लिए पति कर सकता है, नहीं, केवल महिला करेंगी जिसकी कोख बंधी हुई है, संकेत मिल रहे हैं, स्वप्न आ रहे हैं बार बार, तब आप करेंगी यह प्रयोग। सुरक्षित है 100%, ईश्वर पर आस्था रखकर कीजिए, मैं कह रही हूँ इसलिए भी कीजिए, मैं तो एक माध्यम हूँ, कहीं ना कहीं परमात्मा ने चाहा है तभी ये वीडियो आपके सामने आ रहा है। सब कुछ जब कर लिया तब एक बार यह भी कर लीजिए। आप एक तस्वीर लाइए माता की, माँ पार्वती की, एक ऐसी तस्वीर जिसमें गणपति जी उनकी गोद में बैठे हुए हों, वो स्नेह कर रही हो गणपति जी को, यही तस्वीर चाहिए आपको, इसी देवी की
तस्वीर चाहिए, अर्थात माँ पार्वती जो गोद में गणपति जी अगर कार्तिक भगवान भी बैठे हैं कोई बात नहीं, कार्तिक भगवान, यदि आपको एक ऐसी तस्वीर मिलती है जिसमें शिव पार्वती बैठे हैं और दोनों बच्चे गोद में बैठे हों तो वह भी चलेगा, क्योंकि माँ पार्वती की गोद में एक बच्चा बैठता है कोई ना कोई। आप ऐसी तस्वीर को लाकर स्थापित कर दें, एक चौकी दें, एक लाल कपड़ा बिछाएं, माँ को स्थापित करें, तस्वीर पर चुन्नी अवश्य चढ़ाएं, अर्थात माँ को आंचल जरूर दें, माँ को तिलक लगाएं सिंदूर का, वही सिंदूर खुद भी मस्तक पर लगाएं। जिस दिन प्रारंभ करें प्रथम गौ सेवा करें, जहाँ गाय बछड़ा हो वहाँ जाएं, गौ को गुड़ और रोटी खिलाएं, प्रणाम करें, नमन करें, फूल की माला हो तो फूल की माला पहनाएं, बिल्कुल श्रद्धा भाव से गाय और बछड़े को प्यार करके आएं। गाय के घी का एक दिया जला दे सामने, कोई भोग आपको चढ़ाना नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं करनी, माँ को सिंदूर दिया आपने, बच्चे को तिलक दिया आपने, खुद भी सिंदूर लगाया आपने, माँ के सामने एक घी का दीपक जलाइए, माँ की आंखों में आंखें डालकर देखिए, वो हमारी माँ है, हमारे घर में बैठी हमारी मम्मी है, तो जैसे अपनी समस्या फोन पर या सामने बैठकर आप अपनी मम्मी से कहती हैं, बिल्कुल माँ के समक्ष अपना प्रस्ताव रखिए, अपनी बातें रखिए, अपनी रिक्वेस्ट रखिए। जो गाय का घी का दिया आपने जलाया है, अपनी आंचल से उसकी लौ को ऐसे गर्म करके अपनी कोख पर 3 बार सटाइए, ऐसे दिए के पास अपने आंचल से हल्का सा गर्म किया, अपनी कोख के पास, अपनी नाभि के पास ऐसे सटाइए 3 बार, उसकी गर्माहट को लीजिए। एक बात मान लीजिए पूर्ण विश्वास के साथ, आज आप वह करने जा रही हैं जो आपके लिए कोई अन्य नहीं कर सकता, केवल आप कर सकती हैं। नमन कीजिए माँ को, प्रणाम कीजिए, मन को बहुत शांत रखिए, कोई दुख तकलीफ की बातें नहीं, किसी का ताना नहीं, कोई समस्या की बातें नहीं, मन में प्रसन्नता रहिए, यहाँ इस कमरे में सिर्फ आप हैं और माँ हैं, जिनकी गोद में उनके गणेश जी हैं, आपकी भी गोद में आपका लल्ला खेलेगा, आपकी बच्ची खेलेगी। नमन कीजिए, एक मंत्र बताती हूँ, यही मंत्र है जो आपको संतान प्राप्ति के लिए सबसे सहायक बात है। आप अपने मन को, अपनी आंखों को बंद कीजिए और इस मंत्र को 108 बार माँ के सामने धैर्य रखकर जप कीजिए। मंत्र जरा ध्यान से सुनिए, नोट भी कर लीजिए। ओम नमो शक्ति रूपाय मम ग्रह पुत्रम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र स्क्रीन पर आ रहा है, भूलकर भी गलत ना बोले, गलत ना लिखें। इस मंत्र में पुत्रम शब्द लिखा गया है क्योंकि पहले के जमाने में एक तो पुत्र मतलब एक पुरुष प्रधान समाज भी, और पहले भी पुरुष की ही गिनती होती थी, संतान का मतलब ही पुत्र होता है, संतति कहा जाता है लड़कियों को, पर यहाँ पुत्रम से यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आपको सिर्फ पुत्र होगा, माँ जो देंगी, जो गिफ्ट मिलेगा आपको, वो आपको स्वीकार होगा, पुत्र हो या पुत्री, गोद भर जाए आपकी। इस मंत्र को 108 बार जप करेंगे और लगातार 21 दिनों तक यही क्रिया दोहराएंगे, 21 दिनों के बाद फिर एक बार जाएंगे, गौ सेवा करेंगे, बछड़े को भी खाना खिलाएंगे, गाय को भी, और घर में 11 बालकों को बुलाकर, बच्चियों को बुलाकर, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों को बुलाइए, प्रेम से उनकी सेवा कीजिए, उन्हें भोजन करवाइए। जिस दिन आपका ये अनुष्ठान समाप्त हो जाए, कुछ तोहफा देना चाहते हैं सारे बच्चों को तोहफा दीजिए, प्रसन्न करके भेजिए, बच्चे खेलते खेलते आपके घर से जाएं, खिलौने दीजिए, मुस्कुरा कर जाए, सारे बच्चों को आप थोड़ा समय के लिए यदि अपनी गोद में बिठा सकते हैं, बस गोद में बिठा कर गिफ्ट दीजिए, जितना लाड कर सकते हैं उतना लाड कीजिए। आप 21 दिन यहाँ पर योग कीजिए, कैसे भी कोख बंदीकरण होगी, यदि कोख बंदीकरण की वजह से आपको संतान सुख नहीं मिल रहा तो 100% वह बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। अवश्य करें यह दिव्य प्रयोग और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही, रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल, बहुत बहुत धन्यवाद।